आप सभी का आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। क्योंकि इस वक्त गणेश महोत्सव की धूम है और हर तरफ गणपति बाबा का आगमन है, उनका स्वागत किया जा रहा है। गणेश जन्मोत्सव में शोभा यात्रा का भी आयोजन हो रहा है और शोभा यात्रा जो है इस वक्त मोती डोंगरी गणेश मंदिर से रवाना हो गई है। आपको तस्वीरें हम सीधे दिखाते हैं। हमारी संवाददाता महिमा इस वक्त हमारे साथ है। महिमा, जरा तस्वीरें दिखाइए, कितना भव्य है आज का ये आयोजन और किस तरीके से यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, आज गणेश महामहोत्सव जन्मोत्सव का आखिरी त्यौहार यानी कि आखिरी पर्व कहा जा सकता है कि शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हर साल ये शोभा यात्रा निकाली जाती है और दर्जनों झांकियां आज इस शोभा यात्रा में शामिल हुई है जो श्री गणेश के अलग अलग रूपों को दर्शा रही है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूंगी कितनी बड़ी संख्या बल में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और श्री गणेश के दर्शन कर रहे हैं। कल गणेश चतुर्थी का महापर्व मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया और उसके बाद आज शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्री गणेश नगर भ्रमण पर निकलेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। मैं आपको बता दूं, यात्रा का जो रूट रहने वाला है वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर से यात्रा शुरू होगी, जो गणगौरी बाजार, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, कोलिया गेट होते हुए गढ़ गणेश पहुंचेगी और करीब 4 घंटे तक ये यात्रा बाजार में हमें देखने को मिलेगी और इस दौरान भक्त दर्शन कर सकेंगे। और यात्रा में शाही लवाजमे के साथ इस यात्रा को निकाला जाएगा। सबसे पहले गजराज यात्रा का शुभारंभ करेंगे, गजराज पचरंगा ध्वज लेकर जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और तब यात्रा शुरू होगी। और कुछ ही देर में यात्रा जो है श्री गणेश की पूजा आरती करके, पूजा अर्चना करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यात्रा को रवाना करेंगे। बताया जा रहा है करीब 15 से 20 मिनट में उपराष्ट्रपति मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचेंगे और ये रथ जो श्री गणेश के लिए सजाया गया है जिसमें वो नगर भ्रमण पर निकलेंगे उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा फूलों माला से इसे सजा रखा है और श्री गणेश की प्रतिमा भी यहाँ आपको रथ में दिखाई दे रही होगी और यहीं पर जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूजा अर्चना कर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचेंगे। उससे पहले की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि यात्रा शाही लवाजमे के साथ निकाली जाएगी जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड, बाजे जयपुर के प्रसिद्ध देखने को मिलेंगे। और मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात करें तो हर साल यहाँ पर गणेश महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से होता है। पंच दिवसीय आयोजन में हर दिन मोदकों की झांकी सजाई गई, दुग्ध अभिषेक किया गया और आज जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे ही शोभा यात्रा पूरे अगले 4 घंटे पूरे शहर भ्रमण, नगर भ्रमण पर निकलेगी और इस दौरान ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। जिस रास्ते से यात्रा गुजरेगी वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है पुलिस महकमे द्वारा देखी जा रही है और पुलिस महकमा भी जो है चप्पे चप्पे पर मकूल हमें नजर आएगा, हर जगह दिखेगा। तो ऐसे में सारी तैयारियां प्रशासन की ओर से भी कंप्लीट करनी गई है। अब वक्त है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आने का और जब वो आरती करेंगे और श्री गणेश को यहां से नगर भ्रमण के लिए रवाना करेंगे। उससे पहले की तस्वीरें राजधानी जयपुर की, आज गणेश चतुर्थी के जन्मोत्सव के पर्व पर यहां पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और मैं बता दूं शोभा यात्रा में श्री गणेश के अनेक रूप देखने को मिलेंगे जिसमें वो बाल स्वरूप में अपने माँ पार्वती और शिव जी के साथ दिखाई देंगे। बड़ी बड़ी झांकियां जो है भक्त दर्शन कर सकेंगे। साल में एक बार ये पर्व आता है, सबको बेहद उत्साह रहता है। हर यात्रा जाएगी और कहाँ कहाँ पर डायवर्जन किया गया है, यात्रा का रूट जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह हर चौराहे पर पुलिस जाप्ता मौजूद है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहे। बात मोती डूंगरी की करें तो मोती डूंगरी मंदिर पर जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, बिरला मंदिर से ट्रैफिक को रोक दिया गया है जिससे कि गाड़ियां आगे ना आ सके और ये ट्रैफिक लगातार अजमेरी गेट होते हुए गणगौरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ होते हुए निकलेगी यात्रा। तो वहां पर भी समय समय पर जैसे जैसे यात्रा पॉइंट्स पर पहुंचेगी तब ट्रैफिक रोक दिया जाएगा जिससे कि यात्रा एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकाली जा सके और ट्रैफिक की भी व्यवस्था जो है चालू रहे। तो ऐसे में पूरी तरह से ट्रैफिक पर भी फोकस किया गया क्योंकि हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में लोग शामिल होते हैं और ऐसे में यहाँ ट्रैफिक एक बड़ा जो है। लोगों से बात करिए और उनसे जानिए कितनी खुशी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी भव्य रूप दिया गया है, बैंड बाजों नजर आ रहा है और आपने दिखाया कि किस तरीके से जो रथ है उसकी तैयारी की गई है। लोगों में कितनी खुशी है और इस बार क्या क्या मनोकामनाएं जो है वो गणेश जी से मांगने के लिए आए हैं। देखिए सर से जानना चाहेंगे, सर कहाँ से हैं आप, शोभा यात्रा में शामिल हुए?
हम जयपुर मालवीय नगर से ही आए हैं, सेक्टर 1 से। हर साल इस शोभा यात्रा का पार्ट बनते हैं? हाँ, लास्ट 8 ईयर से, पिछले 8 साल से हम कंटिन्यू आ रहे हैं। मेरा बेटा पिछले 8 साल से इसका शूट कर रहा है, 1 से लेकर तक 80 तक जितनी झांकियां हैं पूरी हम कवर करते हैं, पूरा शूट करते हैं। आज भी हम कैमरा लेकर आए हैं, 2 कैमरे लेकर आए हैं और पूरा शूट करेंगे इसमें। देखिए लोग अपने कैमरा अपने सेल्फी लेने के क्रेज से पीछे नहीं चूक रहे हैं, हर कोई जो है श्री गणेश को कैद करना चाहता है और इस लम्हे को कैद करना चाहता है। मैम से जानना चाहेंगे, मैम गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा में आप शामिल हुई है, कैसे, कितना उत्साहित है और क्या हर साल आप आती हैं? नहीं, मेरा तो पहली बार, इससे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि मैंने आज से पहले आई हैं। आप जयपुर से हैं? नहीं, प्रयागराज से आई हूँ जी। तो एज ए टूरिस्ट आप आज इसमें शामिल? हाँ। आपने सुना इस शोभा यात्रा के बारे में पहले? नहीं, पहले कभी नहीं सुना, लेकिन आज है, देखने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत सुपर। लोगों से जानना चाहेंगे, मैम कहाँ से आप आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? मैं कीर्ति नगर से। हर बार आती है, हर साल आती है। देखिए शोभा यात्रा अब शुरू होने में है, बैंड वादन शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि जयपुर वासी गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा को लेकर कितने उत्साहित है। बैंड वादन यहाँ किया जा रहा है और कुछ ही देर में शोभा यात्रा रवाना हो जाएगी क्योंकि श्री गणेश भी सज धज के तैयार है और अपने भक्तों को दर्शन लेके देने के लिए वो भी बेताब है क्योंकि साल में एक बार ये मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है जब श्री गणेश नगर भ्रमण पर निकलते हैं और पूरे जयपुर वासी उनको, उनके दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं सड़कों पर, तो ये नज़ारा देखने लायक होता है। और हर साल न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को ये गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा दिखाता है और कल हमने जगह जगह से दर्शन की, लोगों को करवाए हैं, श्रद्धालुओं को करवाए हैं। शोभा यात्रा में करीब 80 झांकियां शामिल हुई है जो शाही लवाजमे के साथ निकाली जाएगी और हर एक झांकी अपना एक अलग मैसेज दे रही है और श्री गणेश के बाल रूप से लेकर हर रूप उसमें दर्शाया गया है। राजधानी जयपुर बैंड वादन शुरू हो चुका है, शाही लवाजमे में बात की जाए तो हाथी घोड़े ऊंट शोभा यात्रा में शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं महिमा की अपने आप में मनमोहक तस्वीरें आपने हमें दिखाई और दिखाई है कि कैसे तैयारियां हो रही है। बहुत धन्यवाद महिमा आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कुछ ही समय बाद ये शोभा यात्रा यहां से रवाना हो जाएगी, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे आप देखिए 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जगह जगह से दर्शन की लोगों को करवाए हैं, श्रद्धालुओं को करवाए हैं। शोभा यात्रा में करीब 80 झांकियां शामिल हुई है जो शाही लवाजमे के साथ निकाली जाएगी और हर एक झांकी अपना एक अलग मैसेज दे रही है और श्री गणेश के बाल रूप से लेकर हर रूप उसमें दर्शाया गया है। राजधानी जयपुर बैंड वादन शुरू हो चुका है, शाही लवाजमे में बात की जाए तो हाथी घोड़े ऊंट शोभा यात्रा में शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं महिमा की अपने आप में मनमोहक तस्वीरें आपने हमें दिखाई और दिखाई है कि कैसे तैयारियां हो रही है। बहुत धन्यवाद महिमा आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कुछ ही समय बाद ये शोभा यात्रा यहां से रवाना हो जाएगी, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे आप देखिए 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नमस्कार।